दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्टोन गाइड में। आज का वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट है मॉड्यूलर किचन की शोकेसिंग का। कल की वीडियो में 3 किचन डिस्प्ले करे थे, आज की वीडियो में भी 3 किचन और डिस्प्ले करेंगे। शॉप के ओनर का नंबर और डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। आप अगर मॉड्यूलर किचन का काम करवाना चाहते हैं तो कॉल करके और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी सबसे अट्रैक्टिव किचन है। अगर आप देखें तो ये हमने मिरर में बनाई है और प्रोफाइल पे हमने ग्लास को पेस्ट करके इसको बनाया है। तो मिरर में भी ये रोज़ गोल्ड मिरर है। मिरर में बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो उसमें अपन देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। ये आपका पेंट्री यूनिट है ग्लास का, ये अपना रोलिंग शटर है, अगर आप ये हार्डवेयर देखेंगे तो ये हेटिक का अपना इनोटेक है, हेटिक का हार्डवेयर हमने यूज़ किया है। हेटिक की भी सारी वैरायटीज डिस्प्लेड है, जैसे इसमें अलग इनोटेक है और इसमें अलग। ये आप देखिए, आपको ये एक पुल डाउन यूनिट है और ये इसे अपन बाईफोल्ड लिफ्टअप बोलते हैं। ये चिमनी है सेंसर बेस्ड, ज़रा सा हाथ आप स्वाइप करेंगे तो ये चिमनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका हॉब हो गया और ये डीप फ्रायर है जिसमें कि आप फ्राई कर सकते हैं। एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये कॉर्नर। इस कॉर्नर को अगर अपन ओपन करते हैं तो ये देखिए पूरा अंदर कॉर्नर तक स्पेस यूज़ हो रहा है, और अगर अपन इसको बंद करते हैं तो ये बहुत ही स्पेशल तरह से यूँ जाके बंद हो जाती है। एक बार और नीचे वाली ड्रॉर में और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये एक छोटा सा अपना डिस्प्ले यूनिट हो गया जिसमें आप कुछ शो पीसेस वगैरह रख सकते हैं किचन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए। ये अपना डिटर्जेंट रैक है, इसमें आप डिटर्जेंट और सफाई से रिलेटेड सामान रख सकते हैं। और ये बॉटल पुल आउट है, इसमें अगर आप सिंक को देखेंगे तो सिंक यहाँ पे जो है ये क्वार्ट्ज का सिंक है, और ये इस सिंक का फ़ायदा ये है कि ये स्टील की तरह आवाज़ नहीं करता बिल्कुल भी। इन सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, जैसा कि नवीन जी बता रहे थे, ये इन सभी ब्रांड्स के डीलर हैं, तो आप जिस भी ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट चाहें ये आपको लगा करके दे सकते हैं। जनरली क्या होता है शॉप्स के ऊपर, वो किसी एक ब्रांड के साथ में एसोसिएट होता है तो वो लोग चाहते हैं कि उस ब्रांड को सेल करें। यहाँ पर इनका जो आइडिया है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर को हेटिक चाहिए, ब्लम चाहिए, हेफले चाहिए, कम रेंज में लरेंजा चाहिए, इनके पास में सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप आकर के पसंद कर सकते हैं, आपको जो मटेरियल पसंद आए वो मटेरियल आप सेलेक्ट करके और इनसे कोटेशन ले सकते हैं। और जहाँ तक बजट की बात है, इस तरह की किचन हम 8 से 10 लाख रुपए तक की बना सकते हैं, और करीब करीब आप साइज मान के चलिए 12 बाय 10 के आसपास। दोस्तों, इस किचन का जो टॉप है इसका एक बहुत ही स्पेशल मेंशन बनता है, क्योंकि ये टॉप बनाया है इन्होंने नैनो वाइट स्टोन से। नैनो वाइट आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किचन टॉप ऑप्शन है। एकदम प्योर वाइट आता है और बहुत ही हार्ड मटेरियल है और स्टेन फ्री मटेरियल है। तो जो भी नैनो वाइट की किचन प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। आप इसको ध्यान से देखें, अगर आपको ये पसंद है तो डेफिनेटली आप नैनो वाइट को कंसीडर कर सकते हैं। ये एक और किचन हमारी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये किचन हमने पॉली ग्लास में बनाई है। पॉली ग्लास का क्या मतलब हुआ, ये है पॉलीमर, है पॉलीमर लेकिन दिखता ग्लास जैसा है, फील आपको बिल्कुल ग्लास जैसा लगेगा। इसमें हमारे पास 8 से 10 कलर्स बहुत अच्छे अवेलेबल है, और ये किचन बिल्कुल जैसे कि आपने लेकर ग्लास देखा होगा वैसी नज़र आती है। अगर अपन इसको खोलेंगे, इसके हैंडल्स भी हमने बहुत प्यारे दिए हैं, और इसमें जो हमने हार्डवेयर मिक्स यूज़ किया है सभी तरह का, ये एक बॉटल पुल आउट है, और इसमें टॉप जो है ये टाइल लगा है, और वॉल पे हमने अगर आप देखेंगे तो फुल हाइट तक हमने सतवारियों टाइल लगाई है। तो अगर फुल हाइट तक अपन टाइल्स देते हैं तो बहुत अच्छा इसका आपको फील आता है किचन का। ये एक गैस पंप है,
अगर अपन चाहें किचन को फुल हाइट देना तो इस तरह के अपन पुल डाउन यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। ये चिमनी है एक, ये हॉब है एक। मैं आपको बहुत अच्छी फिटिंग दिखा रहा हूँ लारांजा की। ये देखिए ड्रॉर के अंदर ड्रॉर है, ये रेडी टू फिट प्रोडक्ट आता है। इसी का दूसरा मॉडल भी ये है, इस तरह की ड्रॉर्स अपन यूज़ कर सकते हैं। और कॉर्नर में हमने ये डाला है, इसे एस क्राउजल कहते हैं। और ये ग्लास में रोलिंग शटर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने एक कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, यहाँ पे आप माइक्रोवेव या मिक्सी वगैरह रख सकते हैं। ये एक छोटा सा अपना शो पीसेस के लिए यूनिट है, इससे किचन की ब्यूटी बढ़ रही है। ये हमारी स्पेस पेंट्री है, इसको आप जितना खोलेंगे, डोर को जितना खोलेंगे उतना ये बाहर आती जाएगी। बिल्ट इन ओवन, माइक्रोवेव और ये विकर बास्केट है। तो अब मेरा सवाल वापस आपसे वही है, जैसे जो 15 लाख रुपए वाली किचन थी उसी में अगर अपन ये सारे इंग्रेडिएंट मिला दें तो ये कितना कम या कितना ज़्यादा? ये प्रीमियम और मिड सेगमेंट के बीच में आप कह सकते हैं। ये किचन लगभग 10 से 12 लाख के बीच में अपन इसको लेके चलें, सेम साइज में। ये किचन एक्रेलिक में बनी है और इसमें खास बात यह है कि हमने इसमें गोल्ड प्लेटेड हैंडल्स यूज़ किए हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव हैंडल्स हैं ये, इसे एज हैंडल कहते हैं। और इसको हमने गोल्ड प्लेटिंग करवाया है, रेड कलर के साथ गोल्ड प्लेटिंग। और ये जो एक्रेलिक है ये जर्मनी से इम्पोर्टेड है। और इसमें जो हमने हार्डवेयर यूज़ किया है ये है लारांजा का। और ये हमने ग्लास प्रोफाइल में शटर दिया है, अगर आप देखें इस फिटिंग को, इसे वर्टिकल सिंक्रो कहते हैं, बहुत ही जानदार फिटिंग है ये। इसी का ये दूसरा पार्ट, ये चिमनी है, ये हॉब है। और इसके अलावा अपन ये कॉर्नर यूनिट देख सकते हैं, इसमें ये चीज़, इसे एस क्राउजल कहते हैं। और ये अंदर इस तरह से चली जाती है। मैं देख रहा हूँ नवीन जी, यहाँ पर जितनी भी किचन है इन सब की जो क्लोजर है बहुत सॉफ्ट है। हाँ, तो ये अगर कोई चाहता है बजट रेंज में नॉन सॉफ्ट वाला तो वो भी अवेलेबल होगा अपने पास? हाँ, अवेलेबल नॉन सॉफ्ट भी है, बट सॉफ्ट भी आजकल बजट में आ जाता है। जैसे अगर अपन ब्रांड में नहीं जाते हैं, लारांजा में जाते हैं, तो लारांजा का जो सॉफ्ट क्लोज है वो बहुत इकोनॉमिक है आराम से। ये जैसे ये ड्रॉअर देखेंगे तो ये सॉफ्ट क्लोज है, ये हिंज भी देखेंगे तो ये, अगर देखिए ये पल्ले को हल्का सा अपन ने इशारा किया, ये अपने आप धीरे धीरे जाके प्यार से बंद हो जाता है। और ये आगे चलते हैं अपन, ये एक वेस्ट बिन है, दो इसके वाला, और ये एक डिटर्जेंट पुल आउट है। ये डिश वॉशर है, इसमें आप अपने यूटेंसिल्स धो सकते हैं। ये इस तरह से डिश वॉशर है। तो रवि जी जैसा आप बता रहे थे कि ये मिड सेगमेंट की प्राइस रेंज में आता है, तो जैसे ये अगर सेम साइज के अंदर अपन ने जैसे 15 लाख वाली किचन देखी थी वही साइज का अगर अपन ये वाला किचन बनाएंगे तो कितना फर्क आ जाएगा? ये करीब ये आपको 5 से 7 लाख के अंदर बन जाएगी इस तरह की किचन। तो दोस्तों बस यही था सेकंड पार्ट मॉड्यूलर किचन की शोकेसिंग का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।